गोसेवा ही सबुठारु बड़ तीर्थ। देवराज इंद्र कहिछन्ति समस्त तीर्थयात्रार फल गोसेवारु प्राप्त होइथाय। जदि जने व्यक्ति गायर पिठी को आउंसी दे ताहार लांज को निज शरीर में स्पर्श कराए तेबे से व्यक्ति तीन दिन तीर्थ स्नान द्वारा जहाँ फल लाभ करिबा कथा ताहा ही लाभ करिथाय। भव संसार मुक्ति देवार छ गोटी श्रेष्ठ माध्यम अछि। ताहला भगवान विष्णु, एकादशी उपवास, गंगा नदी, तुलसी, ब्राह्मण एवं गोसेवा। यह मनुष्य को अनायासरे वैकुंठ प्राप्ति कराई थाए। प्रभु विष्णु मध्य गोसेवारे अत्यंत संतुष्ट होइथांति। जेउ स्थानरे बा जेउ घरे गाई गोरु माने खुशी रे बास करंति अथवा जेउ जागारे ठिया होई आनंद मनरे निश्वास मारंति सही घर अत्यंत पवित्र और सौंदर्यकर होइथाए। से स्थानर समस्त पाप और भूमि दोष, वास्तुदोष इत्यादि थिले ताहा मध्य आपे आपे दूर होइथाए। गाई मैंने रहुथिबा स्थान ठारु जथेष्ट दूर पर्यंत परिवेश निर्मल और पवित्र होइथाए। एणु गोपालन करिबा अत्यंत मंगलकर। जहाँ घरे गोटिए मात्र बाछुरी अछि तार समस्त पाप नष्ट होइ जाए एवं से शुभ आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। निज परिवार रे गोपालन करुथिबा व्यक्ति एवं गो सेवा करुथिबा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन रो फल प्राप्ति होइथाए। जेउ लोक गोमातार सेवा पूजा करे गोमाता ताहर शत्रु दोष लाघव करिबा सहित समस्त प्रकार विपद हरण करि नियंति। गोमातार सेवा करुथिबा एवं समस्त क्षेत्र रे सेमानकर देखासुना करुथिबा व्यक्ति उपरे गोमाता संतुष्ट होई आशीर्वाद करिथांति। तन मन ओ धनरे जिए गो सेवा करे से गोमातांकर लांज धरी जमपुरर बैतरणी पार होई जाए। ताकु जमपुरर प्रभाव पड़ि नथाए, से गोलक धाम रे ही वास करे। काली गाई सेवा करिबा द्वारा नवग्रह शांति होइथांति। प्रातः काल रे सर्वप्रथमे गाई को दर्शन कले अत्यंत शुभ होइथाए। नियमित एहा करिबा द्वारा जीवन रे अशेष उन्नति होइथाए एवं पाप नाश होइथाए। सर्वदा गाई को दर्शन करिबा अर्थात गाई को देखिबा, पूजा करिबा, नमस्कार करिबा, परिक्रमा करिबा, जत्न नेबा, घास खोइबा को देबा, जल पीबा को देबा, एई भली सेवा करिबा द्वारा मनीष दुर्लभ सिद्धि प्राप्त करिथाए। गो सेवा द्वारा मनीषर सबु प्रकार मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होइथाए। गाई को चारा बा घास खुआइबा अर्थ 33 कोटी देवतांकु भोग लगाइबा संगे समान। गाई को प्रणाम करिबा द्वारा चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम मुख्य प्राप्ति होइथाए। तेणु सुख चाहूथिबा प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति सर्वदा गोमातांकु प्रणाम करिबा उचित। जेउ लोक गोपालन करे, गो सेवा करे, गाई गोरु को खाद्य दिए, जलपान कराए, असुस्थ गाई गोरुंकर सेवा चिकित्सा आदि करे, सही व्यक्तिर सुख शांति बुद्धि ज्ञान धनजन गोपलक्ष्मी कोउथिरे मध्य अभाव रहे नाही। जेकोणसी शुभकर्म रे यात्रा करिबा पूर्वरु गो दर्शन करि गले यात्रा मंगलमय होइथाए। गोदान करिबा सबुठारु श्रेष्ठ दान। एहा द्वारा अनेक दोष खंडन हेबा सहित अशेष पुण्य प्राप्ति होइथाए। जहार निज घरे गाई गोरु नांती तेबे सेमाने पाख पड़ोसीक गाई गोरु को मझिरे मझिरे घास इत्यादि खाइबा को देबा अथवा सेवा करिबा उचित। संभव हेले पड़ोसीक गाई गोरु को निज बासस्थान को बुलेइ आनी सेवा करि परले अशेष मंगल हेइ परिबो। जदि काहारी गाई गोरु आपणा छाए निज जागा को बाड़ी भीतर को आसुथांती ताको मारधर नकरी गो सेवा करिबार सुजोग को हाथ छड़ा करिबा उचित नुहे। गाई को गळारे घंटी बांधिबा आवश्यक। एही घंटी बाजिबा द्वारा अत्यंत शुभ होइथाए एवं एही घंटी द्वारा परोक्ष रे गो पूजा आळती होइथाए। प्रतिदिन गो पूजा करिबा उचित। पूजा कला बेले एही कथा मने मने स्मरण करंतु तो मने मने कहंतु हे मा, आपण अनंत, आपणकर गुण अनंत, आपण को जेते सेवा कले मध्य मु आपणकर ऋण सुझी पारिबि नाही। आपणकर गुणगान करिबा पई मु मध्य समर्थ नुहे। आपणकर जत किंचित सेवा करी
ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଏହିପରି କହି ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ।